नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। कोरोना वायरस के दूसरे फेज में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित की जान भी चली गई। राजधानी रांची भी उसका गवाह बना। सरकार ने सूझबूझ दिखाते हुए ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर दी, लेकिन टेक्नीशियन की बहाली नहीं होने से मुसीबत अब भी जस की तस बनी हुई है। रांची सदर अस्पताल का जायजा लिया सहयोगी शाहनवाज ने। कोविड 19 के दूसरे लहर में सबसे ज्यादा जो तकलीफ और परेशानी हुई थी वो ऑक्सीजन को लेकर हुई थी। मरीज अस्पताल अस्पताल भटक रहे थे ताकि उन्हें ऑक्सीजन की एक सिलेंडर मयस्सर हो जाए। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था नहीं थी, लिहाजा जो सैकड़ों मौतें हुई हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी रही है। हालांकि सरकार ने इससे सबक सीखा है और तीसरी लहर की जब चौखट में हम लोग खड़े हैं उस दौरान जब इस बात की सूचनाएं मिल रही हैं कि रांची समेत तमाम ज़िलों में और यूं कहें कि ज़्यादातर ज़िलों में वहां के अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर दी गई है तो ये एक सुखद बात है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से या यूं कहें कि विभाग की तरफ से कुछ न कुछ लापरवाही जरूर सामने आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के सदर अस्पताल में, जहां पर नव स्थापित ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि इस ऑक्सीजन की कमी को लेकर दूसरे फेज में किस तरह लोगों ने मौत का सामना किया, उसके बाद सरकार ने विभाग ने सबक सीखा और इस तरह के जो प्लांट की स्थापना की गई। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि इस ऑक्सीजन प्लांट को संचालित करने के लिए ऑपरेट करने के लिए जो टेक्निकल हैंड्स की ज़रूरत है, जो टेक्नीशियन की ज़रूरत है, उसमें कमी हो गई है। हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी रांची में करीबन 10 की संख्या में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं जिसके लिए 48 टेक्नीशियन की बहाली हुई है जो पर्याप्त कही जा सकती है। लेकिन बहुत सारे ज़िले हैं जिसे आप मान लें, हजारीबाग हो, चतरा हो, खूंटी हो, जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, इन ज़िलों में भले ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर दी गई है लेकिन वहाँ टेक्नीशियन की बहाली नहीं हुई है। लिहाजा इस तरह के प्लांट को ऑपरेट करने के लिए उनके पास हैंड्स नहीं हैं। हालांकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं और जो बातें हुई हैं उससे एक बात जो समझ में आई है यह है कि मेडिकल स्टाफ को ही उस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, उस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वो ऑपरेट कर सके। लेकिन जब स्थिति विकट हो जाती है तो वो माइनर जो ट्रेनिंग से भी बात बनती नहीं है, इसके लिए फुल फ्लेज जो टेक्नीशियन होने चाहिए, फुल फ्लेज जो टेक्निकल हैंड होने चाहिए उसकी ज़रूरत हो सकती है। लिहाजा विभाग को या सरकार को अब ये ज़रूरत है कि तमाम प्लांट को ऑपरेट करने के लिए टेक्निकल हैंड की जल्द से जल्द नियुक्ति हो, टेक्नीशियन की नियुक्ति हो ताकि इस तरह के प्लांट को ऑपरेट करने में सुगमता आए। लेकिन राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ की स्थिति सुखद है, लेकिन बाकी जिलों में भी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके अस्पतालों में भी जब प्लांट की स्थापना हो गई है तो वहाँ भी टेक्निकल हैंड की को लाया जाए, टेक्नीशियन को लाया जाए ताकि जब जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।